अगर आप समझाता भी है तो आप मेडिकल एडमिट होने तक, मेडिकल आप भेजने तक आपने उसे मार दिया। आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश, और मैं इस वक्त जहां मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई के दिन यहां पे एक घटना घटी थी, जहां पे एक डीसी के एक मौसमी रिबा, जी हां, उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से प्रहार किया गया था, जो आज मेडिकल एडमिट है। तो सुनने में ये भी आया कि उसका जो हालत है काफ़ी गंभीर है, वो अभी आरके मिशन हॉस्पिटल पर उसे रिफर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, मैं उस केस की जो है पल रिपोर्ट आपको मैं देने के लिए, मैं पहले मैं आपको बता चुका हूं, मैं कोशिश करूंगा। तो इस वक्त मैं वो जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस जगह के कुंवारी के, जिसके साथ हाथापाई हुए थे, मेरे साथ आज मौजूद है दोहरीबाजी, उससे मैं बात करूंगा। तो लोग आपका ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि ये जो रास्ता है आपने अपनी मर्जी से बंद किया है इसे, तो आप यहाँ के जो गांव के लोग हैं, डीसी जो गांव यहाँ से कुछ ही दूर है, तो वहाँ के गांव के लोगों को आप काफ़ी परेशानी दे रहे हैं, ये लोगों का कहना है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ में कराता है ये पोजिशन में 31 जुलाई को मैं यहाँ में कराता, ये लैंडस्लाइड हुआ, ये लैंडस्लाइड हुआ था, मेरा स्कॉर्पियो सुबह में पार होकर चला गया था, तो वापस आने में मेरा स्कॉर्पियो पार नहीं होता था। तो उस दिन बहुत भी बारिश था, सुबह से मतलब 2 बजे तक काफ़ी बारिश था। तो मैं स्कॉर्पियो अपना स्कॉर्पियो पार करने के लिए मेरा मशीनरी पोकलेन का लगाया गया है, 2 डंपर लगाया, यहाँ से मट्टी उठा के वो नीचे तो फेंक देता, फिर उसमें मैं जैसे अपना जेसीबी लगा के उसको क्लियर करने के लिए मैं काम कर रहा था। तब तक ये घास एक तो है, ये तो बड़ा सा घास था, एक घास पूरा कंप्लीट अब दिख रहा होगा, ये 13 होकर बैठा हुआ है। इस घास को गिराने के लिए हम लोग मशीन लगा के काट रहा था। तब तो ये मौजूम दृष्टि वहाँ से सीधा यहाँ तक तो गाड़ी लेकर आई है। तो मौजूम के मैं ये बोला है कि तुम थोड़ा वापस करो, ये घास गिरने वाला है। तो मौजूम यहाँ बैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो उनको बोला है थोड़ा सा आगे करो, नहीं तो पीछे करो, ये तो घास जल्दी गिरेगा। तो पीछे करके चला गया, वहाँ गाड़ी रख दिया। उसके बाद में थोड़ा सा वो बैक करने के बाद में ये घास गिरी है। घास गिरने के बाद में वो मशीन जो काटर था वो ठीक नहीं था, तो इसलिए वो अपना कुठार, लकड़ी पड़ने वाला कुठार लेकर के हम लोग उसको सफाई कर दिया। मौजूद भी साथ में था, उसके साथ में दो लड़की, मैं सोचा था कि उसके बच्चे होगा। तो वो घास गिरने के बाद में ऑलमोस्ट ये कटिंग खत्म हो गया था, तो इसको फिर एक घास गिराने के लिए, ये तोको घास अभी भी देख रहा होगा, ये तोको घास है, ये तोको घास को गिराने के लिए फिर करा, वो काफ़ी बारिश था उस टाइम। थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा था मैं उस टाइम। पोजीशन में मैं खड़ा था, तो घास, ये तोको घास जो गिरने से मेरा इसमें बदन में लगेगा, और मैं भी यहाँ में खड़ा है, काफ़ी 2-4 लड़का लोग वहाँ वो दूर में चला गया। तो ये दोनों लड़की यहाँ तो आ गया था, आके हमको बोला है रास्ता जल्दी खोल दो ना। तो मेला, अरे तुम लोग जल्दी भागो ना, ये घास, ये थोको घास गिरने वाला है, तुम लोग भागो, बोला है तो उसको बाद में गिरा दो, हम लोग जल्दी जाना है, रास्ता जल्दी खोल दो। तो मैं बोला है कि नहीं खुलेगा। तो बोला अनपढ़ इंसान, अनपढ़ बुद्धा, क्यों नहीं खुलेगा, जला रास्ता जल्दी खोल दो, हम लोग का रास्ता है। मैं तो बोला है यहाँ में, मैं आकर उसको पूछा है तुम किसका बेटी है, किसका बच्चा है, दांगमो का, सिर्फ दांगमो बात किया, किसी तैतेल का नाम नहीं लिया, दांगमो का बेटी। तो मैंने सोचा है कि दांगमो का बेटी तो पागी में, दांगमो रिवा का तो बेटी है नहीं, और एक तो इंजीब दांगमो है उसका, वो तो बुढ़ा हो गया, उसका बेटी नहीं है, डीसी में तो दांगमो है ही नहीं। मैं सोचा है कि ये मौजूद डीसी का वो पिताजी का नाम अलग से रखा होगा, इसलिए मैं मुजुम दिरके का बेटी है बोल के मैं सोचा था फर्स्ट में। तो तुम किस लिए हमको ऐसे बोल रहे हो, तुम तप्पड़ चाहिए क्या, मैं ये बोला था, अब तुम तप्पड़ चाहिए क्या, किस लिए, रास्ता जल्दी करो, रास्ता तो खुल ही रहा है, तुम देख रहे हैं इतना, ये 12 किलोमीटर से ले करके सोसाइटी के लिए, डीसी पागे के लिए, कितना मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ,
ये अपना सिर्फ क्वारी के लिए नहीं है, यहाँ से लेकर दीसी वो से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी मैं सफाई करता है। जब रास्ता ब्लॉक होता है ये सारा पब्लिक भी जानता है, जब भी रास्ता ब्लॉक होता है मैं क्लियर करने के लिए, दिन होने से भी, रात होने से भी, बारिश होने से भी, सोसाइटी के लिए इतना मैं काम कर रहा है। कोई भी यहाँ ऐसे बनने वाला, कोई भी हमको ऐसा मैंने ये अन पार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करके बनने वाला नहीं। तो मैं उसको बोला तुम किस लिए ऐसा बोलता है, तुम तप्पड़ चाहिए क्या? बोला तप्पड़ देखो, देखो तप्पड़ देखे, देखो वहाँ मैं करा करके, मेरा पिताजी चुप बैठेगा, अभी थप्पड़ देखे देखो। तो मेरा तुम्हारा बाप के सामने पीटेगा, मैं सोचा कि मौजूद मिट्टी जी का बेटी होगा, तुमका बाप का सामने पीटेगा बोल के मैं 2 थप्पड़ जरूर दिया उसको। मैं तो चूल से जरूर पकड़ा, वो भी झूठ भी नहीं बोलेगा। मैं उसको सजा देना है वो तो अलग बात है, लेकिन हमें जो किया है उसको बोलेगा। मैं चूल से पकड़ के उनको एज ए पेरेंट्स, डीसी बस्ती का लड़की हो लड़का हो, मेरा बेटी होगा, मेरा पुट्टी होगा, पुट्टा होगा, पागी का भी ऐसा, मैं इतना सीनियर मोस्ट सिटीजन सब लोग जानता है, मेरा इतना सोसाइटी के लिए काम किया वाला को, ये इतना छोटा बच्चा मेरा बेटी बेटा का लायक भी नहीं है। इतना छोटा बच्चा हमको अनपढ़ इंसान, अनपढ़ बुद्धा, इसलिए मैं सोचा कि साला इस बेटी को तो ये तो तमीज़ भी नहीं है, ये हम जैसे आदमी को, और ऐसे में रिबा सोसाइटी के लिए इतना मैं काम कर रहा है, पागी डीसी के लिए इतना काम कर रहा है, मेरा जैसे आदमी को अगर अनपढ़ बुद्धा अनपढ़ इंसान बोलने वाला आदमी कौन होता है? तो मेरा गुस्सा हो गया उसमें, इसलिए मैं उसको 2 थप्पड़ जरूर मारा था। तो उसके बाद में रास्ता तो ऑलरेडी खुल गया, वो भी चला गया अपना गाड़ी में उठ के चला गया। तो वह गाड़ी में चलते चलते बोला कुत्ता अनपढ़, पूरा चिल्लाते यहाँ से कुत्ता अनपढ़ बोलते बोलते चला गया, मौजू भी साथ में लेके गया, वो बस्ती चला गया देसी बस्ती। तब तो ये ऐसा कटिंग करके रखा हुआ था स्लाइड, पूरा वर्टिकल हो गया था जुल्ली खुलने के लिए। तो उसका गाड़ी भी पार होकर चला गया, मैं भी स्कॉर्पियो पार होकर वहाँ तक आया, तो वहाँ में मैं गाड़ी को पार्किंग करके रखा हुआ। उसके बाद में ड्राइवर लोग को समझाने के लिए मैं गाड़ी को पार्किंग करके वापस देखा है, तो ये फिर गिर गया। गिरने के बाद में मैं बोला है कि उसको मोटा था, अभी रहने तो बाद में देखा जाएगा। मैं पब्लिक के लिए रास्ता खुल रहा था, हमको इतना अगर ट्रेनिंग देता है तो क्यों खुलेगा, रहने दो। तब तक ये रिरम लड़का 4-5 तो लड़का आया था, उन लोग को भी बोला है देखो ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं रास्ता अभी नहीं खुलेगा, तो इसलिए तुम लोग भी अपना गाड़ी को यहाँ में रखो, पैदल चला जाओ। उसके बाद में मैं पागी बस्ती चला गया, तो पागी बस्ती में मैं मालूम हुआ कि रिकिंग का बेटी है बोल के। तो मैं रास्ता ब्लॉक नहीं किया, मैं उल्टा रास्ता को खुलने के लिए कर रहा था। अब तो ये कंडीशन सारा पब्लिक भी देख रहा होगा और मीडिया पार्टनर भी देख रहा होगा ये सब किस कंडीशन में है, कितना में उस रास्ता को बना रहे, कितना दिन से बना रहे। तो इसलिए उस टाइम बारिश भी था बहुत, तो लैंडस्लाइड गिर गया। तो अपना से गिरने वाला को हमको उल्टा इल्जाम लगा रहे, रास्ता को बंद करके बच्चा को पीटा है, तो बच्चा तो पार होके चला गया यहाँ से। तो ये जो पीएमजी से रोड है, चलिए ये पीएमजी से रोड, ये मैं अभी जो ये रस्सी लगा कर रखा हुआ, ये ऐसा डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन ऐसा था पीएमजी से रोड, और उसमें भी रस्सी लगा कर रखा, ये पीएमजी से रोड था। ये मेरा अपना ही ज़मीन से मैं काट काट के अपना गाड़ी पास करने के लिए कितना दिन से मैं उसको स्लाइड गिरता है फिर सफा करता है, यहाँ से माटी वहाँ नीचे पिकने के जगह ही नहीं है, फिर बुक बुक के जगह में पिकना पड़ता है दूसरा जगह में। तो इतना मेरा टेंशन में है इसमें भी, तो सब पब्लिक भी अभी भी जो पब्लिक है और डीसी बोली का पब्लिक भी पहले से भी जानता है ये रोड इस तरह का नहीं था। तो इसलिए उसमें हमको ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, रोड ब्लॉक करके मारा है, रोड तो खुला ही था, खुल के ही दे दिया और डीसी बस्ती तक चला गया। तो कैसे मैं इतना दिन से इतना करोड़ों रुपया मैं खर्चा करके अपना रास्ता बना रहा है, तो कैसे मैं रास्ता बंद करेगा, सवाल ही नहीं होता है उसको कोई भी नहीं मानेगा। तो लैंडस्लाइड अपने से गिर गया, उसको गिरने वाला को तो मैं कितना सफा करें, सफा करने से भी बोलेगा वो तो हम लोग आराम से चल रहे हैं, वो तो हमेशा खुलेगा। तो इसलिए थोड़ा पब्लिक का नॉलेज माने तो बोल के हम उस दिन नहीं खुल के चला गया। उसी को बोलता है आप रास्ता बंद किया, हम तो किसे रास्ता बना, रास्ता खुलने के लिए हमेशा करता है, अपना मशीनरी लगा करके रास्ता खुलता है। तो उसको पब्लिक ही बताएगा होगा या तो भगवान ही बताएगा।
उसका साथ जो आई विटनेस एक लड़की मौजूद थी उस वक्त, तो वो आई विटनेस की जो कहना है कि आपने उसे लातों और गुस्सों से काफ़ी मारा, तो इस बात पे आप क्या बोलना चाहोगे? मैं चूल जरूर पकड़ा, चूल जरूर पकड़ा है, और तप्पड़ भी ये से आपको ये से माटा माटा उटा में नहीं है, पीछे से तप्पड़ दिया, पीछे से तप्पड़ दिया था। तब तक वो पाथर है, पाथर भी वहाँ वहाँ से पाथर से अब बड़ा पत्थर उठा करके हमको मारने के लिए, तो मौजूद पाथर को लेकर के फेंक दिया था। अच्छा, अभी एक बच्ची पे हाथ उठाना, एक लड़की पे हाथ उठाया आपने, जो भी हो इस पे आप क्या सोचते हैं, आपने सही किया या गलत किया? मैं अपना पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स जिसी बस्ती का बेटी जो भी टाइटल का पागी बस्ती का जो भी टाइटल का एज ए पेरेंट्स, तो सीनियर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सीनियर को आप क्यों रेस्पेक्ट नहीं करेगा? मेरा जैसे चूल पकने वाला को, मेरा जैसे सीनियर मोस्ट सिटीजन को, तो अगर अनपढ़ इंसान अनपढ़ बुद्धा, तो इसको मैं अभी भी बोलता है एज ए प्रिंस ने उसको मारा। मैं उसको पर्टिकुलर किसी का बेटी किसी का बेटा उसको मरना है इसीलिए नहीं, एज ए प्रिंस मैं सीनियर सिटीजन एज ए प्रिंस वो पागी डीसी के बच्चा को बचाना है। तुम ऐसा आगे भी नहीं होना चाहिए, तुम सीखो, इसलिए मैं उसको पीटा। इस पे लोगों का भी काफ़ी सवाल आ रहा है कि आपके ऊपर अगर बच्चे को समझाना है, अगर आप समझाता भी है तो आप मेडिकल एडमिट होने तक, मेडिकल आप भेजने तक आपने उसे मार दिया है, ये लोगों का कहना है आपका ऊपर में? वो सब एक्टिंग है, वो सब बहाना है, एक्टिंग है, या से अच्छा से चला गया और मेडिकल एडमिट होने लायक तो मैं पता भी नहीं है। ना माथा में मरा, ना बॉक्सिंग से मरा है और ना लाठी से मरा है, ये सब मीडिया ये को झूठ बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, और कोई लोग ऐसे इंसिकेट कर रहा है। हाँ, मैं चला जाने के बाद में उसको बच्चा को बुक के यहाँ में ले, यहाँ से तो अच्छे से चला गया, और मेडिकल में भी मेरा क्या लो इतना मतलब ये सीरियस केस नहीं होगा, वो तो गलत बात है। तो हमारे बीच मौजूद है जैसे भी पोगलैंड या टिपर के जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, काम कर रहा था, तो हमारे बीच मौजूद है, तो उससे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली वो दिन हुआ क्या था। हम लोग जब साफ कर रहा था, साफ करने में वो ऊपर से स्लाइड तो गिर रहा है, हम लोग सिर्फ चार डंपर जैसा रह गया ये जगह में, ये देखा ये आप ये जगह में था, तो ये जगह में था वो लोग रुकने से तो ऐसा हादसा भी नहीं होना था, क्योंकि पहले तो वो लोग आके उधर रुक गया, बैक किया है गाड़ी को, बैक करके ऊपर में था, तो ये गाछी को हम लोग पहले गिराया, उसके बाद तको गाछी को उधर ये कर रहा था, काट रहा था, वो लड़की तो दो लड़की था, हम लोग का डोयरी बासार तो उसको हटो हटो बोल रहा था, नहीं हट रहा है, वो तो घमंडी टाइप का होगा शायद, कुछ भी हो उसको तो मालूम नहीं है, तो एक लड़की तो ऊपर चला गया, एक तो उधर था, वो उसका बाद क्या हो गया उसको तो हम लोग नहीं देखा है, लेकिन ये रास्ता को हम लोग ब्लॉक नहीं किया है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये तो 25% भी नहीं है, उससे भी आपका 50% तो ये तो चला ही गया, उसमें हम लोग साफ कर रहा था, इसको साफ करने का बाद वो लोग आया है, तो हम लोग बोला थोड़ा रुको, रुकने से कुछ नहीं है, थोड़ा आप लोग भी चलेगा, बस्ती वाला भी चलेगा, कोई भी आएगा वो लोग भी चलेगा, हम लोग के लिए सिर्फ नहीं बना रहा है ना, तो ऐसा बोल के हम लोग बोला है, तो उसका बाद तो वो लोग मानता नहीं है, क्या क्या हो गया होगा उधर पता नहीं, तो हम स्पॉट में उधर था वो साइड में, तो वो गाछ तो गिरने वाला था, हम लोग का सर नहीं तानने से वो लड़की वो तको गाछी को मार देना था उसको, वो मारा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो गाछी गिरने से वो तो मर जाना था, वही है। तभी यहाँ गाड़ी एक रुका हुआ था, तो ऊपर में था उसका, वो गाड़ी यहाँ से डीसी चला गया सर, वो यहाँ से वापस चला गया, यहाँ से चला गया, फिर रिटर्न आके हम लोग तो जो गिर गया दोरी बसार, तो उसको बोला जितना गिर गया उसको तो साफ मत करो, वो लोग अपना से करेगा अपना से जाएगा बोल के वो बोल के चला गया, फिर वो लोग आके हम लोग का क्या बोला है, कैम्प को जलाएगा, हम लोग को जलाएगा, गाड़ी को जलाएगा, क्रेशर को जलाएगा, ऐसा बोल के गया है ना वो लोग। अब तो वो पहले वो लोग वीडियो जो छोड़ा है वहाँ में वो लोग बोलने वाला आदमी लोग भी उधरे है, जैसे कैम्प जलाएगा बोलने वाला तो वो लोग काट के डाला होगा, तो उसको तो अभी वो लोग डालना चाहिए ना, जो जो वीडियो किया है उसको भी नहीं डाला है, सब कुछ वहाँ में है वो लोग जो बोलने वाला।
तो यहाँ से यानी कि गाड़ी लेके वो लोग आदिसी बस्ती गया, उसके जाने के बाद फिर वापस आने के बाद आप लोगों का फार्ती को या फिर ट्रीटेनिंग किया, आप लोगों का ये गेम जलाएगा, गाड़ी जलाएगा वगैरह बात किया, ऐसा बोला है वो लोग। तो यहाँ से लड़की तीख हालत में आपका अच्छा से किया है ना, वो चिल्ला चिल्ला के गया है। हम लोग का डोरी बस रुको रुको बोल रहा था, वो क्या नाम था उसका वो चलाने वाला मजुम, उसको हम बोला है जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ, दोहरी बसार पीछे पीछे आ रहा है तुम जल्दी जाओ बोल के उसको हम भेजा है। उन लोग बोल रहा था दोहरी बसार मारने के लिए आ रहा है इसलिए आप जल्दी जाओ बोला है। नहीं वो तो नहीं है ना, वो तो आदिभाषा में क्या क्या बोला है तो सर बाद में हमको बोला है ऐसा ऐसा बोल के गया है बोल के वो बोला है, तो हम तो मालूम नहीं आदिभाषा में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उसको तो मालूम होने से तो बोल देना था अभी। क्योंकि वो आपका जो मौजूम दिर्ची जो बोला है आई विटनेस उसे वो बोल रहा है कि हमको ड्राइवर जल्दी जाओ नहीं होने से और आपको इगोर और पीटने के लिए आ रहा है इसलिए जल्दी भागो बोला, इसलिए हम गाड़ी लेके जल्दी भागा बोला। नहीं 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 सर वो तो गलत बात है, उसको हम बोला है आप रास्ता हम लोग आपका गाड़ी निकालने वाला है आप जाइए, मेरा सर तो उधर पीछे से आ रहा है और लड़के तो खराब खराब से बोल के चिल्ला के गया है ना, चिल्ला के गया है सर। हेलो कार बार है ना भेम में मुन माए दुख दो मैं योर दू दी तब बदौल चेन मारा पागे चेन दू दिशे चेन दू मैं में कान्या बदे में तोरा सा नहीं ना वो जगह गोल्टिया नहीं को ना लो था दो मोरे में पाम में हकना को तो ना रे नाम लगा बे मुन आई दुख दाग ना बे मुन एमएलए बर दू मुन एमएलए की दरकार मा नचिंग का मा मेरेतु एमएलए भी को बक्काला है बदाल मा को अमन कामा मेर नहीं अब तो बक्का रे कि 0.5 बक्का दी तो लो पॉइंट मेर चाहिए जीतु एक पैसा मिया जितना आई गवर्नमेंट जिन कामा मेर कने आई पके नो खर्चा गुन दी दोनम बसेला पागे बसेला काम रुबेला इनम चान में बीमार हाजिरम मेर धारा गुन ने इन्ने तो एम्बुलेंस को चला जिन मेने चाम दुना दुरु तोलो लुको सगले मुय जों नम चाम द बदा मे किला जिना गुनु अखलाब हिनो मुग रिना माय दुग तंग ना गवर्नमेंट सिं काइ लका मुग रिन मन काका तोका ते अनि गो तोकरा अनि गो तेम तक अनि नो हकन अनि एम एदिने काबरिन नाम तोकरा आगो लो कारबार आम मम जाब दो वर्कशॉप एना छ आयो मे काइ लाना आयो सिं चेंज तोके यल एम मदंग ना एला सिं तें काले एप लगे रुमा बोल एतकेम रिल दोला इजा के अंग पाला तमाम दो दम मुनि और बचे मुनु कारामा दो तो दूर रहने में एम गुनु दम्बे दे दे मन गुन चेम्मा इजी को बे यो आइन के कामा यो तकम दम रमना को यम छिन गुनु आउ हम छिन आइ बार मई दो अदिन का कारबार रेम पाला हगना को तना को जे तुना मुख से आगे।